नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आते हैं तो क्या उनको अपने केसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा? नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आते और पाकिस्तान में उनका इख्तदार अब उनके लिए नहीं है, उनको एस्टेब्लिशमेंट इख्तदार देने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान आएंगे मेरी कॉल ली है तो उनका कोई हक नहीं बनता मुझसे नाराज हो। आपने मेरी कॉल ली है, इनके पास ये साहब जो बोल रहे थे, इनके पास क्या गारंटी है कि वो 9 मई सारा इमरान ने करवाया, दूसरी पार्टियों ने नहीं करवाया या फौज ने नहीं करवाया? क्या गारंटी है जी आपके पास? आपने फौरन इमरान का नाम ले दिया जी, इमरान खान ने किया। That's the difference between you and us. आपके पास कोई चीज ही नहीं है कि आप प्रूव करें कि इमरान ने कराया है, आप कैसे कह सकते हैं जी? बताइए आप कैसे कह सकते हैं? अब जो लोग गिरफ्तार होने, जिन लोगों के तस्वीरें, जिन लोगों के चेहरे जो हैं वो कैमरे में आ रहे हैं, वही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो बताते हैं कि हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो पीटीआई के साथ है। दानिश, मसला ये है कि आप सिर्फ वो बयानियां लेना चाह रहे हैं जो सोशल मीडिया पे आपको दिया जा रहा है और आपके तराने बजा के आपको सुनाया जा रहा है। बिल्कुल, सामने वाला जो कह रहा है वो आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप वो इज्म करके रखे जो आपने सुना हुआ है, आप उसी में खुश रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया और सामने वाला बावला था, उसने कुछ नहीं किया। आप पूरे सिस्टम को तबाह करने जा रहे थे, आप फौज के अंदर दरार डालने जा रहे थे। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि इमरान ने कराया, हम कहते हैं नवाज शरीफ ने करवाया। किसी के उसके ऊपर जुर्म नहीं हुई, अच्छा तो आप एक सबूत दिखा देंगे जिसमें लिखा होगे, कहीं लिखा होगे नवाज शरीफ ने करवाया, दिखाएं सबूत, बोले ना। मैं तो आपसे मांग रहा हूँ, अभी आपने कहा नवाज शरीफ ने कराया, आप कह रहे हैं वाशिंगटन में हर 2 साल के बाद हमले होते हैं, मुझे एक सबूत दिखा दे। आपने करना कि मैंने करना है? आप ये कहते हैं कि वाशिंगटन में हर साल 2 साल में हमले होते हैं, नाम क्यों लेते हैं? हमने कभी नहीं किसी का नाम भैया, दूसरों का नाम लेके ले सकते हैं। मैं आपके किसी रिश्तेदार का नाम नहीं ले रहा, मैं इमरान खान का नाम ले रहा हूँ, पाकिस्तान का। आप हौसला रखे ना, अगर मैं पाकिस्तान के एक लीडर का नाम ले रहा हूँ तो आपका लीडर कौन है? वो मेरा भी तो पाकिस्तान का लीडर है। वो ये स्टैंडर्ड ही नहीं कि तुम हमारा रिश्तेदार बनो। मेरा अल्लाह ना करे कि मैं आपका रिश्तेदार बनू भाई, अल्लाह ना करे कि मैं आपका रिश्तेदार बनू भैया। 100 गज या 1000 गज दूर रहूं मैं आप लोगों से, समझे? लेकिन मसला ये है कि आप इसलिए, मैं तो एक लीडर के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आपको, आप भी तो दूसरे लीडरों को बोलते हैं, मैं भी तो एक लीडर को बोल सकता हूँ। चले जी, हमारे कॉलर ने ये जिक्र किया कि आपके पास क्या, दूसरे कॉलर से पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि पीटीआई जो है वो 9 मई के वाकयात में मुलविस थी या इमरान खान साहब मुलविस थे? तो मसला तो ये है कि जो लोग, जिन लोगों ने हमला किया, उन लोगों की फुटेज बनी, कैमरे में उनके चेहरे आए, उनकी तस्वीरें आई, उनको गिरफ्तार किया गया, जब वो थानों में गए तो उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो यही तो सबसे बड़े सबूत थे। यही तो वजह है कि आज पीटीआई के 4000 से ज्यादा कारकुनान जो है वो या जेलों में बैठे हुए हैं या वो बंकर सेल्स में बैठे हुए हैं जहां पे उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। यही तो वजह है कि आज फौजी अदालतों में पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं जो कि अनअटेंडेंट है, पीटीआई ने उन्हें ऑन करने से इनकार कर दिया है, हालांकि वो पीटीआई के ही अपने वर्कर्स थे। इसके अलावा जो ये सबूत मांग रहे हैं, उन सबूतों में पीटीआई की टॉप लीडरशिप जिसमें परवेज खटक शामिल है, अलीम खान शामिल है, जिसमें बाकी तमाम वो लोग जो कि पार्टी छोड़ के चले